नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। कर्नाटक में बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बचा पाना दिन पर दिन मुश्किल होता नजर आ रहा है। हालांकि आलाकमान लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। बीजेपी में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी के ही एक विधायक ने अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने कहा है कि हमारी सरकार के मंत्री अहंकार में हैं। 15 से ज्यादा अहंकारी कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और सीएम बोम्मई को अहंकारी मंत्रियों की सूची दी है। उन्हें पार्टी और सरकार के हित में बर्खास्त किया जाना चाहिए। मंत्री पार्टी विधायकों का फोन तक नहीं उठाते, उनके निजी सचिव गलत जानकारी देते हैं। एक मंत्री के निजी सचिव ने कहा कि मंत्री को कोरोना हो गया है, लेकिन वो कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने इस मुद्दे के बारे में सीएम बोम्मई से बात की है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सरकार में शामिल 15 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ शिकायत की है। ये मंत्री उपलब्ध नहीं है, वो फोन रिसीव नहीं करते। अगर पत्र लिखे जाते हैं तो इन मंत्रियों के निजी सचिव जवाब लिखते हैं। ये उन विधायकों और लोगों का अपमान है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी साफ है कि अब पार्टी के अंदर से उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होना तय माना जा रहा है। बता दें कि इस मुश्किल का फायदा कांग्रेस को जरूर हो सकता है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है।